पहले की माननीय न्यायालय में जो चल रही है समान काम समान वेतन के मुद्दे पर याचिकाएं, इसकी सुनवाई चल रही है। तो न्यायालय का अपना नियम और कायदे हैं और सरकार के द्वारा जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनकी लंबी सूची है और जब तक सरकार की बात को, क्योंकि वह पिटिशनर है, उनकी बात को पहले सुनना न्यायिक पहलू है, उसके बाद रिस्पोंडेंट की बात को सुनी जाएगी, फिर अंतिम निर्णय न्यायाधीश को देना है। तो सरकार ने एक बड़ी अधिवक्ताओं की फौज खड़ी की हुई है, इसके पीछे सिर्फ बिहार के नियोजित शिक्षकों को परेशान करना है, उन्हें तबाह करना है और उनको आर्थिक रूप से कमजोर करना है। इसलिए आज जो स्थितियां रही वह सबके सामने रहा कि 255 तक कोर्ट को चलनी थी और लगभग 250 में कोर्ट ने जो हम लोगों का मैटर था उसको शुरुआत किया। मात्र 5 मिनट सरकार के ही अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बात रखी गई और उसके समापन कोर्ट का समापन हुआ। अगली तिथि यानी कल पुनः हम लोगों के इस मुद्दे पर चलेगी बहस और सरकार ने आज एक नई बात फिर रख दी कि उनके बीच अभी और सीनियर एडवोकेट बचे हुए हैं जिनको शिक्षकों के विरुद्ध दायर याचिका में अपनी पक्ष रखनी है। तो सीधा कहा जाए कि सरकार बाहर भी शिक्षकों को परेशान करने का काम कर रही थी और न्यायालय में भी आर्थिक मानसिक शारीरिक दंड दे के परेशान करना चाह रही है। वैसे जो हमारा मुद्दा है, इस मुद्दा पर नियोजित शिक्षकों की जीत सुनिश्चित है क्योंकि कानून के हिसाब से हमारा मांग है और कानून के हिसाब से संवैधानिक पहलू है समान काम समान वेतन। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखनी है। ये न्यायिक लड़ाई जब तक सरकार चलाएगी न्यायालय में, घी चितिर के बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ शिक्षकों को आश्वस्त करता है कि तब तक इस लड़ाई को लड़के समान काम समान वेतन लेकर ही दम लेंगे। एक सवाल